हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है। आप देख रहे हैं कालू डॉट एन आंसर्स एट फाइव का एक और बढ़िया सा एपिसोड। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न कार सेफ्टी फीचर्स दैट शुड श्योरली कम इन टू इंडिया। काफ़ी गाड़ियों में ये फीचर्स आ गई हैं और इन फीचर्स को चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है वो सारी इंडिया में आ चुकी है। बट स्पेसिफिकली ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो अभी तक इंडिया में मैक्सिमम गाड़ियों में नहीं आ रही हैं, सिर्फ बहुत हाई एंड लग्जरी कार्स में ही आ रही हैं और उनमें भी काफ़ी लिमिटेड तरीके से आती हैं। आप जैसे, अब मैं कुछ एक फीचर्स की बात करूंगा जो आप सोचेंगे कि यार ये सारी फीचर्स हमें हमारी गाड़ी में तो है, इसका जो सपोर्टिंग हार्डवेयर है वो हमारी गाड़ी में है, बट ये फीचर एक्टिवेटेड क्यों नहीं है। तो कई ऐसी फीचर्स हैं जो इंडिया में ज़रूर अब आज की डेट में आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा अनरूली है, धीरे धीरे करके ट्रैफिक रूल्स वगैरह जैसे बनते जा रहे हैं उसके हिसाब से बेटरमेंट्स आएंगे, बट इन फीचर्स से वो जो टाइम लगेगा बेटरमेंट आने में वो थोड़ा टाइम कम हो सकता है। सो आइए बात करते हैं आठ ऐसी फीचर्स जो एक मॉडर्न कार सेफ्टी के लिए इंडिया में ज़रूर आनी चाहिए। फीचर नंबर वन, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आती है। आपकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही अनरूली स्टेट में अगली गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो एकदम से आपको गाड़ी वॉर्न कर देती है कि भाई आराम से थम जाओ, आगे की गाड़ी से टक्कर हो जाएगी। सो दैट्स द फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। आगे इसमें एक सेंसर लगता है, अभी किसी भी गाड़ी में इंडिया में नहीं आ रहा है। आई एम श्योर ये ज़रूर आना चाहिए बहुत जल्द। एमरजेंसी ब्रेकिंग। एमरजेंसी ब्रेकिंग में जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग का सेकेंड स्टेप होता है एमरजेंसी ब्रेकिंग, एकदम से जैसे कुछ कंट्रीज में ये क्या होता है, फॉरवर्ड कोलिजन होने वाला है तो वो सिर्फ एक वार्निंग देती है, ठीक है। और जैसे अगर कोलिजन होते वक्त अगर आपका ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा? नहीं, इसका भी फीचर आता है इमरजेंसी ब्रेकिंग, गाड़ी अपने आप ब्रेक प्रेस कर देती है और पीछे के जो वार्निंग इंडिकेटर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी से फ्लैश करना शुरू कर देती है। सो दैट इज़ एन इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर जो जिसके टेक्नोलॉजी हार्डवेयर इंडिया में है बट अभी गाड़ियों में वो एक्टिवेटेड नहीं हुआ है। एक और बहुत मज़ेदार फीचर आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड फीचर, दैट इज़ द पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम। अब आप इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, पेडेस्ट्रियन तो बहुत ज़्यादा है, बट कभी कभार क्या होता है आप गाड़ी चला रहे हैं आपका ध्यान नहीं है। सो गाड़ी में जो सेंसर्स होते हैं वो रीड करते हैं कि भाई पेडेस्ट्रियन कोई पैदल चलने वाला एकदम से गाड़ी के बीच में ना आ जाए। तो डिटेक्शन सिस्टम के इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपको एक वार्निंग हो जाएगी कि अरे भैया ध्यान से वो बंदा आने वाला है सामने गाड़ी के, एक्सीडेंट हो सकता है, या अगेन इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम से ब्रेक लग जाएगा गाड़ी में। सो ये सारी फीचर्स जो हैं ये बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिटेक्ट होके चल सकती हैं। इसके लिए एक रडार और सेंसर बेस्ड सिस्टम लगता है गाड़ी में इंस्टॉल होता है। आज की डेट में लग्जरी गाड़ियों में काफ़ी वॉल्वो जैसी गाड़ियों में आ रहे हैं, बट अभी नॉन लग्जरी कार्स जो वॉल्यूम मास मार्केट कार्स हैं उसमें अभी तक नहीं आया है। फोर्थ फीचर जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी तो इंडिया में लोग इंडिकेटर भी नहीं देते लेन चेंज करने से पहले, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, टेक्निकली आपको क्या करना चाहिए, आपने इंडिकेटर देना चाहिए, इंडिकेटर देते ही देके देखना चाहिए शीशे में भाई पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, देन आपको लेन चेंज करनी चाहिए। ऑल्दो ऐसा बहुत कम होता है इंडिया में, बट इन एनी केस लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम ये होता है कि आपने इंडिकेटर दे दिया परंतु आप देखना भूल गए कि पीछे से एक गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, ठीक है, तो एक्सीडेंट और कोलिजन हो सकता है। इसलिए वो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम पीछे के एक रडार एक सेंसर से डिटेक्ट कर लेगा कि वो गाड़ी कहीं आपकी गाड़ी से लेन चेंज करते वक्त भिड़ ना जाए, ठीक है। तो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम आपको आगाह कर देगा कि भाई गाड़ी आ रही है, रुक जाओ एक सेकंड, बाद उसको निकल जाने दो, उसके बाद चले जाना उस लेन में, राइट। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जनरली देखेंगे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो कार ड्राइवर्स हैं उन्होंने देखा होगा यार एकदम से आप राइट लेना चाहते हैं एकदम से पीछे बड़ी तेज़ गाड़ी आ जाती है और आप थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं, तो इस अनबैलेंस को हटाने के लिए लेन डिटेक्ट सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी एग्जिट असिस्ट है जो मेरा नेक्स्ट फीचर है नंबर फाइव, वो भी ऑलमोस्ट लेन असिस्ट के लाइंस पे ही चलता है।
उसमें क्या होता है, वही अगेन सेफ्टी एग्जिट असिस्ट क्या होता है, आपने गाड़ी पार्क कर दी, अब जैसे जनरली क्या होता है आजकल, गाड़ी पार्क कर दी और सपोज करिए जिस साइड से ट्रैफिक चल रहा है उस साइड से कोई उतरने लगा है सेफ्टी एग्जिट, ठीक है, तो आप एकदम से आप एज अ ह्यूमन क्या बोलते हैं, ध्यान से पीछे ट्रैफिक ना हो, दरवाज़ा खोला पता लगा पीछे से कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाला, कोई गाड़ी, कोई ट्रक, बस कुछ भी भिड़ गए दरवाजे में, ठीक है, ये काम एक सेफ्टी एग्जिट असिस्ट फीचर कर देता है, ठीक है। जैसे ही आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई, आपने पार्किंग ब्रेक को एंगेज किया, आप दरवाज़ा खोलने से पहले वो सेंसर रीड कर लेगा कि भाई पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, अगर कोई आ रहा होगा वो आपको वार्निंग दे देगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो चाहिए। सिक्स फीचर जिसकी मैं बात करूंगा वो है अडेप्टिव हेडलाइट्स। अडेप्टिव हेडलाइट्स काफ़ी गाड़ियों में अब आ गए हैं। अडेप्टिव हेडलाइट जनरली बाय ज़ेनॉन प्रोजेक्टर लैंप्स जिन गाड़ियों में आगे हेडलाइट्स पे होते हैं उनमें चलती है। वो क्या होता है अडेप्टिव हेडलाइट्स भाई, अडेप्टिव हेडलाइट्स ना अलग अलग तरीके से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने गाड़ी से राइट लेना है, ठीक है, आपने गाड़ी से राइट लेना है तो क्या होगा, आपकी जो बीम्स हैं वो सीधी जाती रहेंगी और आपकी गाड़ी राइट हो जाएगी, बट आपको तो यहाँ पे विजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो अडेप्टिव हेडलाइट क्या होगी, वो आपके टर्न के साथ साथ आपकी हेडलाइट्स को मूव करेंगी, ठीक है। इसके अलावा अडेप्टिव हेडलाइट्स ये भी फीचर होती है कि सपोज करिए आपने फुल बीम पे हेडलाइट चला रखी है, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो फुल बीम उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, उसकी आंखों में चुभ सकती है और वो बैलेंस लूज कर सकता है, आके आप ही की गाड़ी में भिड़ सकता है। तो अडेप्टिव हेडलाइट्स सामने की लाइट को स्टडी करती है, रीड करती है और अपने आप को थोड़ा सा डिम कर लेती है, सो दैट सामने वाले को रोड की क्लैरिटी रहे, आपकी गाड़ी की क्लैरिटी रहे, ताकि वो आप आके आप में ना भिड़ जाए। द सेवेंथ फीचर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एक एरे ऑफ रडार से चलता है, जैसे पीछे से गाड़ियां आ रही हैं एंड जैसे काफ़ी हाई एंड कार्स में होती है, आप गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका रियर व्यू मिरर है, उधर रियर व्यू मिरर है, ऊपर बीच में एक रियर व्यू मिरर है, इन सब में ये जो रियर व्यू मिरर है ये चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे गाड़ी हो सकती है जो आपको एकदम से दिखाई ना दे, कई बार ऐसा होता होगा आप गाड़ी चलाते हैं, राइट, ये रडार सिस्टम जो है ये उन्हीं स्पॉट्स पे आपको एक आई दे देता है, वो देख लेता है वहां पे कुछ है तो नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं है, जो आपको शीशों में नहीं दिख रहा, जो आपके सेंसर्स नहीं देख पा रहे, ये उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देख लेता है, तो आपकी गाड़ी में चलाने की आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा आजकल कुछ गाड़ियों में जो एट फीचर जिसकी मैं बात करूंगा, कुछ गाड़ियों में आने लगा है फेशियल थेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, अभी इंडिया में तो आया नहीं है और इंटरनेशनली भी बहुत कम गाड़ियों में आया है, बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। जिन लोगों के पास आईफोन होगा या और अच्छे महंगे वाले टेलीफोन्स होंगे, मोबाइल फोन्स होंगे, वो ये जानते होंगे कि भाई वो फ़ोन को ऐसे देखते हैं हम, हैं, और वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। सेम फीचर गाड़ियों के लिए भी बन चुका है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी आए, आपने गाड़ी अनलॉक की, गाड़ी में बैठे, ठीक है, और गाड़ी विल रिकॉग्नाइज योर फेस एंड तभी वो स्टार्ट हो गया और आप चला सकते हैं। कोई और आके बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो आपकी गाड़ी सिर्फ आप चला सकते हैं। इसका नेगेटिव भी है बट उसका भी तरीका होता है, आप उसमें तीन चार फेसेस स्टोर कर सकते हैं कि भाई चलो मैंने चला ली, मेरे दोस्त ने चला ली, मेरी सिस्टर ने चला ली, मेरे पेरेंट्स ने चला ली, किसी ने, उन सबके फेसेस स्टोर कर दिए, तो गाड़ी उन लोगों को चलाने देगी। कोई चोर आया अंदर बैठा और चलाने की कोशिश करे, चाहे वो तार मोतर तोड़ मरोड़ सब कुछ कर ले, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये थे वो आठ फीचर जिनके बारे में मैं आपको आज बताना चाह रहा था। दिस वॉज दीज आर द मॉडर्न कार सेफ्टी फीचर्स दैट विल श्योरली कम इन टू इंडिया, बहुत फायदेमंद होगा। इंडिया का ट्रैफिक थोड़ा सा अनरूली से थोड़ा रूली हो जाएगा, एंड जिस तरह से गाड़ियाँ इंडिया में बिक रही हैं, वी होप दैट ऑटोमोबाइल मार्केट ऐसी अच्छी तरीके से चलते रहे। बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस सेगमेंट में लगे हुए हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। कल एक और मज़ेदार एपिसोड लेके आऊँगा, तब तक के लिए कार्लो.इन की वेबसाइट पे विजिट करिए, ऑटोमोबाइल क्वेरीज के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर से बात करिए, और हाँ सब्सक्राइब करके रखिए कार्लो.इन का यूट्यूब चैनल। कल मिलता हूँ, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।